रतन सूत्र नंबर 13-13। रतन सूत्र यानी महामारी पर विजय का सूत्र या महामच्छु विजय सूत्र या महामृत्युंजय सूत्र या सूत्र। वनप गुंबे यथा फुस्सित अग्गे किम्हा मासे पठमस्मिं गिमहे तथुमं धम्म वरं अदेशीय निब्बान गामिं परमं हिताय इदंपि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सवत्ति होतु। वनप गुंबे यथा फुस्सित अग्गे, वनप गुंबे का मतलब है जो जंगल है उसमें जो गुम्बद हैं, यानी कि जो उसके झाड़ हैं, जो जंगल होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जैसे ही मार्च का महीना पूरा निकलना शुरू होता है, ख़त्म होना शुरू होता है और गर्मियां आनी शुरू होती हैं, तो गर्मी के महीने की जो पहली गर्मी है उसमें जंगलों में और वनों के अंदर अचानक से बहुत सारे पुष्प और फूल आने शुरू हो जाते हैं, गुम्बद की गुम्बद पूरा जंगल भर जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है, बड़ा खूबसूरत होता है। अगर इसका एरियल व्यू देखें, आसमान से देखें या आप नेट पे चेक करें तो आपको ताज्जुब होगा कि जो बसंत बहार का महीना आता है यानी गर्मी से स्टार्ट होने का जस्ट पहले जो आता है उसमें सारे पेड़ जितने भी हैं उनके ऊपर जो झुंड हैं गुम हैं वो सारे भर जाते हैं। ये उसी का जिक्र है इसमें। वनप गुंबे यथा फुस्सी तंगे, यानी कि जो वन से ढका हुआ झाड़ होता है जैसे फूलों के तग्गे, फूलों के तग्गे का मतलब है फूल से लदाए हुए जितने तग्गे हैं वो भर जाते हैं। गिम्हा मासे, गिम्हा माने बोलते हैं गर्मी को, गिम्हा मासे का मतलब है गिम्हान मासे यानी गर्मी के महीने में। पट इसमिंग, पठम इसमिंग का मतलब है प्रथम यानी पहले महीने में, शुरू में, गिम्हे यानी गर्मी के शुरू में जो गर्मी का महीना है क्या होता है। तथुपंग मंग यानी तथा उपमंग, इस प्रकार की उपमा है। धम्म वरंग अदेशीय यानी उसी तरह जो धम्म वरंग है, धम्म वरंग का मतलब है जो धम्म में सबसे श्रेष्ठ है यानी भगवान बुद्ध, यानी उसी प्रकार धम्म जो भगवान बुद्ध हैं उनका जो देशना है वो अदेशीय है। अदेशीय का मतलब है जो पहले कभी नहीं हुई है, अद्वितीय है, बहुत शानदार है, लाजवाब है, उसको अदेशीय बोलते हैं जिसको देशना पहले नहीं दी गई। निब्बान गामिंग परम हिताय, निब्बान गामी का मतलब है कि निब्बान तक ले जाने वाली है, जो ले जाती है निब्बान तक, परम सुख तक, आगे निर्वाण तक या अमृत पद तक या अमृत छकने तक। परम हिताय, परम माने सबसे ज्यादा हितक, हित करने वाली है, मतलब जिस प्रकार वन के अंदर गर्मी की शुरुआत में, गर्मी के पहले महीने के अंदर पुष्पों से लद जाता है पूरा वन जो कभी देखा ना ना गया हो, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो अद्वितीय बिना देखी हुई देशनाएं हैं, ऐसी देशनाएं जो पहले नहीं दी हैं वो निब्बान तक लेके जाने वाली हैं, वो आदमी को मुक्त प्राप्त करती हैं, मुक्त आदमी हो जाता है, अमृत हो जाता है, अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, उसी प्रकार परम हित करने वाली होती हैं। इदंपि बुद्धे रत्नं पणितं, इस बुद्ध के सबसे श्रेष्ठ रत्न से, यानी कि ये जो रत्न है बुद्ध के सबसे श्रेष्ठ रत्नों में से है। एतेन सच्चेन सवत्ति होतु, इस सच्चे वचन से स्वस्थ हो, स्वस्थी हो सारे के सारे वो लोग जो बीमारी से परेशान है, महामारी से परेशान है। क्योंकि तो भगवान बुद्ध ने जो ये कहा है ये तब कहा है कि जब वो आते हैं महामारी में, और महामारी में वैशाली में सारी महामारी हो रही है और वहां ये बात कही जाती है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे
कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.